2008 के मालेगांव बम धमाके की आरोपी नंबर एक और बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से मुंबई आई थी अदालत में अपना बयान दर्ज कराने। साध्वी की तरह पांच और आरोपी भी अदालत आए, लेकिन आरोपी नंबर 10 सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे के ना आ पाने की वजह से किसी का भी बयान दर्ज नहीं हो पाया और अगली तारीख पड़ गई। इस बीच साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस की प्रताड़ना से तबीयत खराब होने का आरोप लगाया। कांग्रेस की प्रताड़नाएं जो हुई वो तो निश्चित है, मैं पहले पूर्ण स्वस्थ थी और पूर्ण स्वस्थ होकर के मैं पुलिस की कस्टडी में आई थी। पुलिस की कस्टडी के बाद जो मेरी हालत हुई है, जो निरंतर गिरती जा रही है और मेरी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, तो मैं उनसे पीड़ित हूँ, लगातार पीड़ित हूँ। और ये हालत हमारी एक फिजिकल ट्रेंड, फिजिकल फिट व्यक्ति की जो हालत हुई है वो किसी और की नहीं हुई। और इसका अचानक कारण क्या हुआ, जब मैं स्वस्थ आई थी और जब मैं निकली हूँ तो मैं बिस्तर पे थी, कैंसर मुझे हुआ, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम मुझे हुई, हमारी न्यूरो की प्रॉब्लम मुझे हुई, सिर में आँख से लेके ब्रेन तक बस मुझे पड़ा। और जिसके डैमेज, जितना बॉडी हमारी डैमेज हुई है उसका पूरा कारण कांग्रेस के सरकार की प्रताड़नाएं हैं, एटीएस की प्रताड़नाएं हैं। मालेगांव बम धमाकों के केस में 323 लोगों की गवाही होने के बाद अब सीआरपीसी 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज होने हैं। किसी भी मुकदमे में 313 के तहत आरोपी का बयान बहुत अहम होता है, जिसमें गवाहों के बयान के आधार पर अदालत सवालों की सूची बनाकर आरोपी से उनका जवाब मांगती है। 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना किया जाए या फिर ऐसी कोई बात जो एविडेंस में आई हुई है, विटनेसेस के स्टेटमेंट में आई हुई है और उसके बारे में अगर माननीय न्यायालय ने आरोपियों को प्रश्न नहीं पूछा तो यह पूरा मुकदमा खारिज हो सकता है, इतनी इसकी ताकत है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 जख्मी हुए थे। मामले में पहले स्थानीय पुलिस, फिर महाराष्ट्र एटीएस और उसके बाद एनआईए ने जांच की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे 4 जज अब तक बदल चुके हैं। पांचवे जज ए.के. लाहोटी सुनवाई कर रहे हैं। 11 में से 3 आरोपी डिस्चार्ज हो चुके हैं और बम प्लांट करने वाले आरोपी रामचंद कलसांगरा और संदीप डांगे अब भी फरार हैं। 34 गवाह अपने बयान से मुकर चुके हैं। 15 साल बाद भी तारीखों में उलझे मुकदमे को लेकर पीड़ित और आरोपी दोनों ही राजनीति किए जाने का आरोप लगाते रहे हैं। केवल और केवल हर साल इलेक्शन के वक्त अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मुकदमे को प्रलंबित, विचाराधीन रखने के लिए सब लोग अपना प्रयास करते हैं। सभी के सभी विद्वान है, अनुभवी है, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता है कि यह मुकदमा समाप्त तक कब होगा करके। 9 साल तो आरोपी जेल में थे, सरकार ने मुकदमा चलाया नहीं, ये सारी सरकार की ढिलाई है। और मैं इसमें महाराष्ट्र सरकार का दोष ज़्यादा मानता हूँ, केंद्र सरकार का भी है जिन्होंने इस मुकदमे को जल्दी समाप्त नहीं किया। 29 सितंबर को मालेगांव 2008 बम धमाके को 15 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन मुकदमा अभी पूरा नहीं हुआ। आज भी एक आरोपी के नहीं आ पाने की वजह से अदालत को तारीख देनी पड़ी। 313 के तहत आरोपियों का बयान अब 3 अक्टूबर से दर्ज होना शुरू होगा। चूँकि मामले में 323 गवाह हैं, इसलिए माना यह जा रहा है कि 313 के तहत बयान में भी महीनों लग जाएंगे, यानी तारीख पे तारीख का यह दौर अभी लंबा चलेगा। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।